morning students, how are you? I hope you all are doing well and have done your homework. Good. तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है पता है ना, अटेंडेंस बनाना है and you all know the process. कमेंट सेक्शन में जाना है और वहां पे अपना नाम लिख देना है ना. अगर आपसे नहीं हो रहा है तो अपने पेरेंट्स को बोलिए, वो आपका अटेंडेंस बना देंगे. ठीक है, चलिए तो सबसे पहले ये काम कर लीजिए, फिर हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. ओके चलिए तो अटेंडेंस बना ली आप लोगों ने. गुड. ओके सो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास. पिछले क्लास में, इंग्लिश की क्लास में, मैंने आपको रिवीजन टाइम में, रिवीजन में आपको पेयरिंग वर्ड्स बताया था कुछ, है ना. बुक से रिलेटेड भी कुछ पेयरिंग वर्ड्स मैंने दिए थे मैच करने के लिए, और फिर मैंने अलग से भी आपको पेयरिंग वर्ड्स लिखवाए थे, है ना. मैंने 10 पेयरिंग वर्ड्स लिखवाए थे और मैंने बोला था कि उसे याद भी करना है. इसके अलावा मैंने आपको जो हु एम आई करके क्वेश्चन दिया था उसको भी मैंने बोला था कि याद भी करना है हिंदी सहित, है ना. डॉक्टर, कुक, शेफ, ये सब जो लिखवाया था मैंने, उसका भी मैंने आपको बोला था कि याद करना है. आई होप आपने उसे याद किया होगा और सुनाया होगा, है ना. आज हम लोग पेयरिंग वर्ड्स जो मैंने 10 बताया था उसके अलावा और भी जो पेयरिंग वर्ड्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, याद करना जरूरी है, वो आज मैं आपको लिखवाने वाली हूँ. ठीक है, तो जहां पे आप लोगों ने पेयरिंग वर्ड्स लिखा है उसी के नेक्स्ट पेज में अभी जो मैं लिखवाऊंगी उसको नोट कीजिएगा. ठीक है, तो नोटबुक निकाल लीजिए और साथ में पेंसिल इरेजर भी रखिए. ओके क्या है ये पेयरिंग वर्ड. चलिए पहला देखते हैं क्या है. क्रीम एंड शुगर. ठीक है, केक बनाने में क्रीम एंड शुगर दोनों की जरूरत होती है, है ना. और बोलने में भी एक साथ बोलेंगे तो पेयरिंग वर्ड कहलाएगा. सेकेंड क्या है आपका, लाइफ एंड डेथ, है ना, जीवन और मृत्यु या जीवन मरण. चलिए थर्ड क्या है, साल्ट एंड पेपर, है ना. कागज वाला पेपर नहीं है वो, PAPER होता है. यहाँ पे है PEPPER, पेपर. साल्ट एंड पेपर का मतलब होता है नमक और मिर्च, है ना. पेपर मीन्स क्या होता है, गोल मिर्च, जिसको कि मरीच भी बोलते हैं, तो वो तीखा होता है ना, तो नमक और मिर्च. फिर है आपका रीड एंड राइट, है ना. रीड मीन्स पढ़ना और राइट मीन्स लिखना, पेयरिंग वर्ड्स है ना. कहते हैं ना कि पढ़ो पढ़ो लिखो, पढ़ना लिखना, तो वही है रीड एंड राइट, पढ़ना लिखना. अब क्या है डेड एंड अलाइव, है ना. डेड मीन्स होता है मरा हुआ और अलाइव का मतलब होता है जिंदा. क्या कहेंगे इसे, जिंदा या मुर्दा, है ना, जिंदा या मरा हुआ. चलिए अब क्या है बैक एंड फोर्थ, है ना. बैक एंड फोर्थ का मतलब होता है आगे पीछे, है ना, आगे और पीछे.
चलिए अब क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट है ना, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी भी होता है तो बोलने में होता है ना, जैसे बोलने में कि पेयरिंग वर्ड्स, वैसे ब्लैक एंड व्हाइट मीन्स काला और उजला। चलिए नेक्स्ट है आपका ब्राइड एंड ग्रूम है ना, ब्राइड और ग्रूम का मतलब क्या होता है, तो ब्राइड मीन्स होती है दुल्हन और ग्रूम मीन्स होता है दूल्हा, तो दूल्हा दुल्हन बोलते हैं ना, तो पेयरिंग वर्ड्स कहलाएगा। चलिए फिर है गिव एंड टेक है ना, देना और लेना, लेन देन या देन लेन जो बोलिए, तो वो भी क्या आता है, पेयरिंग वर्ड्स में आता है। अब है सिंग एंड डांस है ना, सिंग मीन्स नाचना, डांस सॉरी सिंग मीन्स गाना और डांस मीन्स नाचना है ना, नाच करना, तो क्या होगा सिंग एंड डांस, नाच गान है ना, ये भी कहते हैं ना कि नाच गान हो रहा है वहां पे, तो ये भी क्या है पेयरिंग वर्ड है। ओके चलिए तो इसको पहले नोट कीजिए, फिर मेरे साथ एक बार पढ़िएगा ताकि आपको याद भी हो जाएगा आसानी से। ओके जल्दी से नोट कीजिए इसको। चलिए लिख लिया आप लोगों ने, गुड। अब एक बार मेरे साथ आप लोग भी पढ़िएगा, ठीक है। पहला है क्रीम एंड शुगर, ठीक है, क्रीम और चीनी। लाइफ एंड डेथ मतलब जीवन और मरण। साल्ट एंड पेपर नमक और मिर्च। रीड एंड राइट पढ़ना और लिखना। डेड एंड अलाइव है ना, जीवित या मृत है ना। बैक एंड फोर्थ मतलब आगे पीछे। ब्लैक एंड व्हाइट है ना, काला उजला। ब्राइड एंड ग्रूम दुल्हन दूल्हा। गिव एंड टेक है ना, देना लेना। सिंग एंड डांस गाना और नाचना, ठीक है। ये जो है आज आपका कितना टोटल 20 पेयरिंग वर्ड्स मैंने आपको लिखवाया है जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाद में भी मैं इसको रिविजन में पूछ भी सकती हूँ, ठीक है, तो इसको हमेशा याद रखिएगा। ओके चलिए अगर आपने नोट कर लिया है तो मैं इसको इरेज कर रही हूं। चलिए अब आप लोग नोटबुक में नेक्स्ट आपको अभी मैं होमवर्क लिखवाने वाली हूँ, ठीक है। ये तो एक आपका याद करने वाला होमवर्क हो गया, और एक होमवर्क मैं अभी लिखने वाला आपको दूंगी जो कि आपको बनाकर भी रखना है, ठीक है। वो मैं कल जो है फिर उसको
मैच करवाओगे उस टाइम में आप लोग चेक कर लेंगे उसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज निकालिए, मैं लिखवा रही हूँ। रिविजन टाइम, ठीक है, रिविजन चल रहा है अभी हम लोग इंग्लिश में। वर्ड्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स, नीचे अभी मैं कुछ सेंटेंस आपको लिखवाऊंगी और उसमें एक जगह पे आपको अंडरलाइन किया हुआ मिलेगा, तो आपको जो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है उसका अपोजिट वर्ड लिख के सेंटेंस को फिर से लिखना है, ठीक है। चलिए यहाँ जो मैंने लिखाया है चीकू वॉज हैप्पी नाउ, तो अंडरलाइन वाला कौन सा वर्ड है यहाँ पे, हैप्पी। तो हैप्पी का ऑपोजिट क्या होता है, सैड। तो नेक्स्ट लाइन आप लिखेंगे चीकू वॉज सैड नाउ, ठीक है। एक मैंने समझा दिया है, एरो मार्क कैसे देंगे, सेकेंड लाइन आप लिखेंगे, ओके। चलिए सेकेंड है, द बॉटल इज एम्प्टी, इसको भी बनाना है। थर्ड है, माय ड्रेस वॉज डर्टी, फील्ड इज वेट आफ्टर द रेन। चलिए फाइव है, द क्लासरूम वॉज नॉइजी, ठीक है। इसको क्या करना है, आपको बनाकर रखना है, ठीक है। कल मैं इसको मैच करवाऊंगी, बनाएंगे कैसे वो मैंने अभी आपको समझाया है, और लिखने का तरीका भी मैं बता दूं फिर से। सब्जेक्ट ने ऊपर में रिवीजन टाइम, उसके बाद फर्स्ट लाइन में आपको ये लिखना है, राइट द अपोजिट वर्ड्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, और फिर आपको ये लिखना है। फाइव क्वेश्चन है, आपको 10 लाइन लगेगी उसमें, है ना। 10 लाइन में कैसे आएगा बता देती हूँ मैं। फर्स्ट लाइन में तो आप क्वेश्चन लिखोगे, है ना, सॉरी फर्स्ट लाइन में आप हेडिंग लिखोगे, सेकंड लाइन से आपको क्वेश्चन उतारना है, तो पहला में आप ये लिखोगे फिर उसका आंसर, सेकंड में भी ये लिखना है फिर उसका आंसर। और हाँ एक और बात, डायरेक्ट आपको आंसर नहीं लिखना है कि हैप्पी का सैड, नो इट्स रॉन्ग। इसको कैसे लिखेंगे, तो चीकू वॉज हैप्पी नाउ, अंडरलाइन वाला का अपोजिट ढूंढिए और फिर लिखना है इसको चीकू वॉज सैड नाउ, ठीक है। चलिए तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, तो
चलिए तो लिख लिया आप लोगों ने, गुड। तो इसको आप लोग बनाकर रखेंगे और जो मैंने पेंडिंग वर्ड्स लिखवाया है उसको याद करेंगे, ठीक है, और याद करके सुनाएंगे भी। चलिए तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।